ट्रॉली है ना, इसको मैं इसकी जगह कि वो प्योर वुड की है उसको मैंने पॉलिश करवा लिया था, तो मैं चाह रही थी कि उसको मैं अपने यहाँ पे रखूँ जो। अच्छा, ये मैंने ज़ारा से लिया था। अच्छा, जो मैं सब बताती हूँ ना कि खुशबू हर जगह पे होनी ज़रूरी है, तो इनका ये मेरे छोटी छोटी चेंजेस थी जो मैंने की हैं। अच्छा जी, ये मैंने चखने के लिए बनवाया है, इनका सर टेक्स्चर भी आपको चेक करवा दूँ। साग और पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड ना किया करें, वो चटनी नहीं है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के विखोरे माही किथे रह गया, रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दे, दिल तेनु चुमदा ते अख संग दे, मुल केड़ा पाया वे तो साडे प्यार दा, हर वेले मैं तेरी खैर मंग दे, सानू प्यार दे पुलेखे विच पा के, सानू प्यार दे पुलेखे विच पा के, विखोरे माही किथे रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने थोड़ी कुछ चेंजेस करना चाह रही थी, क्या कर रही हूँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जहन में आती है तो वो कर लेती हूँ मैं, तो इसलिए वो अब मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और आज एक्सरसाइज की, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बेड में अभी ये तो बैठ के अगर देख रहे हैं तो देख लें, लेकिन उसके बाद वॉक या एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम लोग सब अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। मैं अपनी ये वाली जो मेकअप वाली ट्रॉली है ना, इसको मैं इसकी जगह मेरी एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है जो काफ़ी पहले की, जो मेरे फादर के टाइम से ही पड़ी हुई है, बनी हुई है, ताकि वो प्योर वुड की है, उसको मैंने पॉलिश करवा लिया था, तो मैं चाह रही थी कि उसको मैं अपने यहाँ पे रखूँ जो मेरा ड्रेस जो जगह है, दिखाती हूँ ये वाली जो जगह है यहाँ पर, ताकि उसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें आ जाएं और ज़्यादा मैं रख लूँ। ये यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है, विंडो है बाहर बहुत अच्छी एक, तो नेचुरल लाइट मुझे पसंद है, हर जगह से ही आती है, मुझे अच्छा लगता है रोशनी होना। ये तो अब आजकल सब ने रखा हुआ है, स्टीम प्रेस के लिए स्टीमर है, इससे ना जो काम शाम वाले कपड़े आपके सारे और स्वेटर्स और सब बड़ी आसानी से हो जाते हैं, तो लेकिन करती मैं खुद हूँ, उससे नहीं करवाती सादिया से या शाद वगैरह से, क्योंकि बस मुझे होता है ख़राब ही ना हो जाए। एक अलमारी और इतने सारे लोग रख रहे हैं। ये मैंने सुबह सुबह एक एप्पल खाया था, ये ले जा, ये नवीद रख देना किचन में प्लीज। अच्छा, एक ये ना हुक लगी हुई है एक्स्ट्रा, मुझे इससे बहुत डर लग रहा होता है कि मेरे कर्टन्स ना ख़राब हो जाएं, ये भी अभी मैं ज़रा निकलवाती हूँ, और ये मैंने इधर रख लिया, इसको सेट कर लिया। अच्छा, ये मैंने ज़ारा से लिया था, ब्रास का एक छोटा सा क्लच सा था काफ़ी पहले, और ये भी मैंने ज़ारा से लिया था, थोड़ा सा पॉलिश हो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी साल पहले की बात है ये। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें नीचे सारी मेरे आगे हेयर ड्रायर्स और सारी वो चीज़ें आ गई हैं, और यहाँ पे ऊपर मैं अपने मेकअप वाला सारा सामान रख लूँगी, स्किन केयर मैं अपनी इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, और ये सामान मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो मैं सब बताती हूँ ना कि खुशबू हर जगह पे होनी ज़रूरी है, तो इस इन कबर्ड्स में भी अंदर मैं ये एयर फ्रेशनर्स हैं, खुशबू है ये, और ये दोनों मैं लगाऊंगी, स्टिक ऑन है,
ताकि हर जगह पे, वैसे मैंने घर में रखे हुए हैं, खुशबू आती रहती है। और ये चीज़ें इतनी कोई ऐसी महंगी भी नहीं है कि आप ना लें, तो रखें घर में तो अच्छा, आपको खुद से भी अच्छा फील होगा। अच्छा, मैं वो स्किन केयर का सारा सामान इधर शिफ्ट कर रही हूँ और अपना मेकअप वाला इधर शिफ्ट कर रही हूँ। अमेरिका से ना बहुत सारी चीज़ें मैं दो दो लेकर आई थी और वो मुझे लग रहा था बहुत दिन चलेंगी, लेकिन काफ़ी सामान ऐसा है जो अभी से मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कपड़ों की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो आइडियाज़ वगैरह हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करके देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। सादिया प्लीज़ आ जाओ, मुझे पकड़ाते जाना। अच्छा जी, ये सारी मेरी चेंजेस मैंने की हैं। खुशबू वाली जो है ना, ये मैंने दो तीन चीज़ें ऐड की हैं। एक तो ये है, ये मेरा, ये मैंने लिया था वो जो है मिनीसो से। ये खुशबू, एक तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ। ये मैं इसका पीछे से आपने इस तरह से स्टिकर उतारते हैं और ये स्टिक ऑन होता है, यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये भी खुशबू के लिए ही है। इसको मैं, इसको कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ इसको, इसको मैं इधर ऊपर रखूँ। तो ये मेरे छोटी छोटी चेंजेस थी जो मैंने की हैं और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। वही बात है, तो थोड़ा थोड़ा आप चेंज करें, इस बहाने सफाई हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। और ये मेरी मैं एक्साइटेड हूँ कि सारा सामान मेरा यहाँ पर आ गया और थोड़ी सी और स्पेस बढ़ गई है मेरे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में। तो फुल लेंथ मिरर मैंने जिन्होंने पूछा था ना, मैंने इसलिए इधर नहीं लगाया हुआ क्योंकि बिल्कुल सामने मेरे कमरे में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो मिरर है, मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से मेकअप करना मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से किया हुआ है कि बिल्कुल साथ शीशे के मैं खड़े होकर अपना लाइनर वाइनर और मेकअप लगा सकूँ। तो आज की वीडियो में मैं चप्पल कबाब बनाने का आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वो बहुत इजी हैं और शाम को अगर आप खाली, वो ये रेशमी से चप्पल कबाब बनते हैं बहुत मज़े के, शाम को अगर आप खाली ये भी ले लें तो आपका एक समझें कि फुल आपका मील होता है। उसके साथ आप कुछ सैलेड ले लें या कुछ लाइट सा ले लें, तो रात को ना हल्का ही खा के सोए इंसान तो अच्छा रहता है। फिटनेस का मैं आप सब लोगों को बहुत स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। तो मेरे साथ आप ज्वाइन करें, जो सुबह कुछ मिनट एक्सरसाइजेस के ज़रूर, ऑनलाइन आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन कोई भी एक पिक कर लें और आप योगा है कुछ भी आप करें, लेकिन आप अपनी बॉडी पे काम करें क्योंकि जितना हेल्दी रहना हमें ज़रूरी है हमारे लिए, उतना हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। बच्चों को ना आप जो बेस्ट गिफ्ट दे सकती हैं वो ये कि आप खुश रहें और हेल्दी रहें। अच्छा जी, ये ना मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज अभी मेरे पास कोई नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो कीमा, ये मेरे पास हाफ के जी कीमा है और इसमें ये लहसुन अदरक और हरा प्याज कटा हुआ ये ऐड करना है। ठीक है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं बेसन ही बोलते हैं उसके। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा दही और बाकी के मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है और थोड़ा सा दही डाला है, लेकिन अगर आपके पास ब्लू बैंड हो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में 1 शिमला मिर्च अगर डालना चाहे, वो भी अनारदाना, क्योंकि जो शिमला मिर्च होती है ना वो भी एक्चुअली जो पेपरिका पाउडर वो उसकी एक फॉर्म होती है, फ्रेश डाले तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें यह अब ऐड किया। अब इसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना पाउडर डालना है।
मैंने आधी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, डलवाई है मतलब सूखा धनिया जीरा, भुना हुआ है सूखा धनिया जीरा जो इसमें डाल रही है। अब ये इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब इनको मिक्स करना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसमें ना 1/4 थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करवाया है और अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना इनको आप थोड़ा चख लिया करें, छोटा सा कबाब बनवा के, ताकि कोई नमक मिर्च वगैरह कम है या ज़्यादा है कुछ आपको पता चल जाए। ये मिक्स हो गया और ये इस तरह से इसका टेक्स्चर आया है। और ब्लेंडर में मैंने इसको चॉपर मिक्स ही नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल चॉप हुआ हुआ था। और एक मैं फ्राई करवा के देख रही हूँ, नमक मिर्च वगैरह टेस्ट हो जाएगा, होपफुली सब कुछ ठीक होगा और टेक्स्चर भी आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने चखने के लिए बनवाया है, मैं इनका सर टेक्स्चर भी आपको चेक करवा दूँ और मैं तो चख भी लूँ नमक मिर्च वगैरह इसका। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे ज़्यादा अच्छे चिकन के कबाब हैं। मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप लोग ट्राई करेंगे और चेक करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा जी, मैंने कहा आप लोगों के साथ अपने रात का खाना शेयर करूं, क्योंकि मैं वही हर दफ़ा कहती हूँ कि रात को बहुत लाइट लें, और इनकेस अगर आप लोग शादियों वगैरह पे कहीं जा रहे हैं तो प्रोटीन होता है वहाँ पे, कबाब चिकन वगैरह वो ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चिकन पीस है ये मेरा, मैरिनेट की करके मैंने रखा था, जो नवीद रखता है साथ, स्पिनिच लीव्स हैं जो घर की हमारी स्पिनिच है, मशरूम्स हैं। इसको सीजनिंग मैंने हरी मिर्चों की और नमक काली मिर्च की, नमक तो नहीं है, काली मिर्च और लेमन की हुई है। ऑरेंज जूस रात को सुनाए नहीं लेते, लेकिन मैं फ़िलहाल ले रही हूँ कि वो बना लाए जूस मेरे लिए। तो ये लाइट है, हो सकता है कि मैं एक पीस ये चिकन का और ले लूँगी, लेकिन सुबह तक आप कुछ भी ना खाएं, अगर आप इस तरह का कुछ भी का ना लें, कोई भी रोटी चावल वगैरह जो सालन है वो ले लें, या अगर आपने रोटी चावल लेने भी है तो 7 बजे के बाद ना लें। तो अब मैं, आज कोई शादी या कुछ वो नहीं था, आज मैंने आराम से अपनी रिकॉर्डिंग की है और मैं टीवी देख रही हूँ। अभी वो आएगा जैसे आपकी मर्ज़ी, वो देखूँगी, देखें आज क्या निकाल क्या करता है। बहुत शुक्र है माँ को जरा कल आई है कि बेटी किस उससे गुजर रही है, वो ज़रा उसके लिहाज से भी सोचने लगी है, तो वो भी टर्निंग एक दो पॉइंट्स हैं उसमें। काबली पुलाव ख़त्म हो गया, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, जन्नत से आगे को भी मिस कर रही हूँ दोनों, क्योंकि अभी तक वो मैंने देखा है जो है खुशबू से भरे खत, वो मुझे अच्छा लगा है ड्रामा, तो वो एक है ज़रा उसको लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। बाकी कोई इतना ख़ास जो ख़त्म हुआ है उस तरह का ड्रामा अभी तक कोई भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो कल मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ, बात के साथ। सब लोग कह रहे हैं कि अपने सारे स्टाफ से मुलाकात करवाएं और आप लोग सब कैसे डीलिंग्स चलती हैं और कैसे मामला चल रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो कबाब है ना, इनको इस तरह से किसी भी डिश में रख के उसके बीच में प्लास्टिक बिछा के आप लेयर्स बना लें इसकी, और अलग अलग कबाबों को फ्रीज करें, एक दूसरे से डिस्टेंस हो उनका, ताकि वापस में चिपके नहीं। अच्छा, और जो भी गोश्त आप एक दफ़ा आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना, उसको डीफ्रॉस्ट करके दोबारा फ्रीज़ नहीं करना होता, पका के फ्रीज़ करें, क्योंकि उसमें ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है जो काफ़ी ख़राब होते हैं। नहीं रखा जाओ। अच्छा, ये इस तरह रखे हैं, अभी जो करीब से दिखा दो, ये ऐसे सारे कबाब रख रहे हैं, उसके बाद इसी तरह फ्रीज़ होगा। ये 3 लेयर्स लगेंगी, मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये साग है, साग मैंने अभी क्या डाल के इसको कटते बनाते हैं, हरी मिर्ची मेरे पास खाली। साग और पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड ना किया करें, वो चटनी नहीं है, वो बिल्कुल पाउडर सा जो बन जाता है वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो वो उसको इसी तरह से आप हाथ से ही हिलाते रहें तो बहुत अच्छा वो ब्लेंड हो जाता है। नॉर्मली साग नवीद मिट्टी की हांडी में बनाता है, मिट्टी की हांडी क्यों नहीं ली? ले लूँगा अभी, अब ले लेगा जब पक चुका है ना, फिर ले लेगा ना जी। तो चलिए ठीक है, मेरे वाले पुल ते बुला के, मेरे वाले पुल ते बुला के, मेरे वाले।